गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं दीपाली पटेल। इन जल्दी पटेल चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो है ना, टेक्निकल वीडियो है। मैं एडिटिंग कर रही थी मेरे वीडियोस का, और अचानक से क्या हो गया, मेरा जो ये पेट है, ये बीच बीच में घुस के इसने स्क्रीन पे पैर दे दिया, यानी कीबोर्ड पे प्रेस कर दिया उसने। कहाँ पे प्रेस किया आई डोंट नो। और मेरा जो ये स्क्रीन टच है ना, ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। सी देखो, आप स्क्रीन पे देखो, और देखो मैं यहाँ पे, ये जो मेरा टच पैड है ना, पूरा देखिए कहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा है, सी मेरा कर्सर नहीं चल रहा है, यानी मेरा जो टच पैड है वो वर्किंग नहीं है, टच पैड मेरा बंद हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए गाइज, अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप कोई भी यूज़ करते हैं तो उसके रिलेटेड जो जानकारी होती है या उसके रिलेटेड जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको खुद को ही सॉर्ट आउट करना होता है। इसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, या फिर जो भी आपका लैपटॉप है उसके रिलेटेड आप कस्टमर केयर को कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप लैपटॉप शोरूम से लेते हैं तो शोरूम से भी आपको 100% जानकारी मिलेगी। तो अचानक से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा टच पैड वर्किंग क्यों नहीं कर रहा है। तो टच पैड अगर आपका वर्किंग नहीं कर रहा है तो टच पैड के लिए एक सिंबल दिया जाता है जो F में होता है। F यानी हमारे पास F1 से लेके F12 तक ऐसे फंक्शंस रहते हैं। C दिख रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। तो ये जो फंक्शंस है ना, वो हर एक सिंबल को जो है वो रिकग्नाइज करता है। तो वो आपको वो जानकारी लेनी पड़ेगी कि कौन सा सिंबल किसके लिए है। तो मेरा जो टच पैड है उसका जो सिंबल है, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि टच पैड जो है वो थोड़ा सा आयताकार में है, देखिए। तो हमें टच पैड का सिंबल ढूंढना है। F1 में भी नहीं है, F2 में भी नहीं है, F3 में भी नहीं है, F4 में भी नहीं है, F5 में भी नहीं है, F6 वैसा लग रहा है टच पैड जैसा, F7 भी नहीं है, F8 भी नहीं है, F9 जो है वो भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11 भी थोड़ा सा हमें दिख रहा है, लेकिन F12 भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, टच पैड का जो सिंबल है ना, वो इन 12 सिंबल में से, 12 फंक्शन की में से एक पे है। तो हमें पहले चेक करना है कि F6 है क्या, सी। तो हम F6 प्रेस करते हैं, ओके, यस, F6 ही है। तो हमारा जो टच पैड है वो एनेबल हो गया है, और हमारा जो कर्सर है वो आ गया है सी, ओके। वापस हम लोग एक बार चेक करेंगे, प्रेस F6, ओके। क्या आया सिंबल, देखिए, टच पैड डिसेबल्ड। वापस हमें प्रेस करना है F6, टच पैड एनेबल्ड, यस। तो हमारा वो जो सिंबल की है वो है F6 फंक्शन में। तो याद रखिएगा, ये जो मेरा मॉडल है लैपटॉप का, ये Asus Vivo Book है 15। तो क्योंकि हर एक फंक्शन में अलग अलग सिंबल रहते हैं, तो ये बात याद रखिए। तो चलिए, मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, सी। तो चलिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू गाइज़।